में क्या है अपने आप को? एक तो खुद मेरे ऊपर आकर गिरे और सॉरी बोलने के बजाय मुझे बोलते इतना मेरे बारे में मत सोचो, मेरी शादी हो रही है, जैसे मुझे नहीं पता। और मैं क्यों सोचूंगी उनके बारे में? मेरे बारे में बात कर रही हो? इसका मतलब तुम अब भी मेरे बारे में सोच रही हो? कोई प्रॉब्लम है? नहीं। Are you sure? भला मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? नहीं, वो तुम ऐसे ही गुस्से में बड़बड़ा रही थी तो मुझे लगा कि मैं बड़बड़ा नहीं रही थी, अपने आप से बात कर रही थी गुस्से में। तो नहीं, मुझे लगा कि पूछ लूं कि वो गुस्से की कुछ वजह है। anyway, तुमने वो मेरी ओटिया की फोटोज देखी होगी ना, कैसा लगा? रोमांटिक थी ना? मुझे क्या पता रोमांटिक क्या होता है? तुम्हें नहीं पता रोमांस क्या होता है? नहीं, सबको कुछ ना कुछ आइडिया तो होता ही है रोमांस के बारे में, थोड़ा बहुत। एनीवे, वो जो मेरी ओटिया की फोटोज थी ना, वो मुझे लगा उनको देखकर कि हम दोनों साथ में, मैं ओटिया टी और मैं, हम दोनों यू नो टुगेदर काफी रोमांटिक लग रहे थे। नहीं, ठीक ठाक थी, कुछ फोटोज ठीक ठाक थी और कुछ में आप लोग भाई बहन जैसे लग रहे थे, रोमांस सी नहीं नजर आ रहा था मुझे तो, फीलिंग तो एकदम जीरो जीरो थी। और नहीं, काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब अभी अभी कह रही थी कि तुम्हें रोमांस के बारे में कुछ पता ही नहीं और अब रोमांस और रोमांटिक पोजेस के बारे में इतना सारा ज्ञान। नाइस, आई लाइक इट। वैसे मुझे सिखाओगी तुम रोमांस और रोमांटिक पोजेस के बारे में? ये कुछ फील हुआ? नहीं, थैंक यू फॉर द टिप्स। अब मैं समझ गया हूं कि मुझे अपनी होने वाली वाइफ को कैसे खुश करना है। थैंक यू। बुरा लगा? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड, वेरी गुड, कुछ नहीं है। सरप्राइज अच्छा था लेकिन अफसोस फ्लॉप हो गया। क्यों, फंक्शन में कोई कमी रह गई? शिवाय मैं उस फंक्शन की नहीं, उस दूसरे सरप्राइज के बारे में बात कर रही हूँ। आई नो शिवाय कि तुम एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन हो और लेन देन के मामले में किसी पे भी भरोसा नहीं करते,
which is good, very good. लेकिन बात जब अपने घर पे, अपने रिश्तेदारों पे और खास करके अपने सास पे आती हो तो भरोसा तो करना चाहिए ना। जब मैंने तुमसे कह दिया कि मैं तुम्हें वीडियो दे दूंगी, इसका मतलब दे दूंगी, थोड़ा भरोसा तो करना बनता है। भरोसा? ये बात बोलते हुए आपको हंसी नहीं आई? हंसी आई थी, बहुत हंसी आई थी, लेकिन तुम पे और तुम्हारी वो स्टूपिड हरकतों पे। शिवाय तुम्हें वो वीडियो चाहिए ना, देखो, टेक इट। शिवाय तुम्हें एक्चुअली लगता है कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट चीज किसी ऐसी वैसी जगह पे रख दूंगी या फिर किसी ऐसे वैसे आदमी को दे दूंगी? एस्पेशली तब जब मैं जानती हूं कि तुम इस वीडियो को हासिल करने की पूरी कोशिश करोगे शादी के पहले। लेकिन शिवाय अगर तुम चालाक हो तो मैं तुम्हारी सास हूं, ओके? डोंट फॉरगेट दैट। मैं ये वीडियो खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करती, लेकिन फिर अगर तुम कोशिश करना चाहते हो तो यू वेलकम, प्लीज गो अहेड, गुड लक। इसका मतलब वो वीडियो मिसेस कपूर के पास ही है। दाइमा की रिकॉर्डिंग भेजने के लिए मुझे कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं करनी होगी। जस्ट वन क्लिक एंड इट्स डन। शायद इसका मतलब है कि वो वीडियो मिसेस कपूर के फोन पर ही है। मुझे उनका फोन हासिल करना पड़ेगा, कुछ भी करके। शिवाय सिंह ओब्रॉय इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो इस वीडियो को हासिल करने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए हमें और भी चौकन्ना रहना है। शिवाय कुछ नहीं कर पाएगा मॉम, डोंट वरी। और टिया है ना वहां पर, शिवाय के मूवमेंट्स में नजर रखने के लिए। टिया को तो खुद होश नहीं रहता, वो शिवाय पे क्या नजर रखेगी? पता नहीं वो लड़की कौन सी दुनिया में रहती है, हर वक्त उस रॉबिन के बारे में सोचती रहती है, यू नो। यही बात मुझे भी परेशान कर रही है। टिया कमजोर पड़ रही है, हर वक्त रॉबिन की मौत के गम में डूबी रहती है मॉम, जबकि उसे पता है उसने खुद रॉबिन को मारा था। ऐसी बातें फोन पे नहीं किया करते। अगर तुम्हारे आसपास किसी ने सुन लिया तो। डोंट वरी मॉम, मैं इस वक्त हमारे घर पे हूँ। टिया का कुछ सामान लेने आई थी। इस वक्त मेरे आसपास कोई नहीं है।